मेरा नाम आशुतोष है और मैं आपके साथ कैड कैम की नॉलेज शेयर करना चाह रहा हूँ। तो चलिए अभी मैं आपके साथ सॉलिड वर्क्स के बारे में थोड़ी डिटेल्स में रिव्यू कर देता हूँ। ये जैसे कि एक इंजन है, ये इंजन ट्रक का इंजन है। तो फिर चलिए इसके बारे में जानते हैं कि किस तरह से मैंने इस पैटर्न को डिज़ाइन करा है। तो फिर चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम स्केच पे आते हैं और स्केच पे देखते हैं कि किस तरह से मैंने, किस पैरामीटर पे मैंने ये पैटर्न डिज़ाइन किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 260 डायमीटर पे मैंने इस पैटर्न को डिज़ाइन किया है। और फिर मैं बॉस एक्सट्रूड पे भी दिखा देता हूँ आपको कि मैंने किस तरह से करा है। अब ये देखिएगा आप, 300 मिलीमीटर मैंने इसकी ये लेंथ लेकर के डिज़ाइन करा है इस पैटर्न को। फिर हम चलते हैं सेकंड बॉडी पे। सेकंड बॉडी जो मैंने जस्ट पैटर्न डिज़ाइन करा है, ये 75 मिलीमीटर का डायमीटर। तो फिर और फिर मैंने जस्ट इसको एक्सट्रूड बॉस बेस से मैंने इसको एनलार्ज कर दिया इसको, और 13 मिलीमीटर मैंने इसकी लेंथ रखी है। और मर्ज रिजल्ट मैंने इसलिए करा है ताकि इस बॉडी में ये मर्ज हो जाए। अब चलिए अब हम देखते हैं कट एक्सट्रूड का फीचर। अब कट एक्सट्रूड में सबसे पहले मैं आपको स्केच दिखा देता हूँ। तो फिर ये आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इसके स्केच को डिज़ाइन करा है। लेकिन ये स्केच मैंने ऑफसेट लेकर के और कन्वर्ट एंटिटीज लेकर के करा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब चलिए अब हम चलते हैं एक्सट्रूड पे, कट एक्सट्रूड। कट एक्सट्रूड पे मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए। फिर मैंने जैसे यहाँ पर मैंने ड्राफ्ट का यूज़ करके 30 डिग्री का मैंने डायमेंशन इसमें रखा है, और मैंने लेंथ इसकी 13 मिलीमीटर रखी है इनवर्ड डायरेक्शन में, जैसे कि आप देख सकते हैं। और जस्ट की कट हो गया है ये बॉडी। अब चलिए अब हम चलते हैं बॉस एक्सट्रूड पे। बॉस एक्सट्रूड में भी मैंने जस्ट एक सर्कुलर पैटर्न लेकर के 45 डायमेंशन रखी थी, और मैंने सिमिलर वे में इसको एक्सट्रूड कर दिया, और 7 मिलीमीटर मैंने इसका लेंथ रखी थी, और 30 डिग्री मैंने इसका ड्राफ्ट सरफेस रखा था इनवर्ड डायरेक्शन में, और ये मैंने मर्ज कर दिया इस बॉडी को, और ये पैटर्न डिज़ाइन हो गया। अब चलिए अब हम चलते हैं सेकंड बॉडी पे। तो फिर सबसे पहले मैं आपको इसके स्केच दिखा देता हूँ। देखिए मैंने टॉप प्लेन से इस पैटर्न को डिज़ाइन करा है, और जैसे कि आप डायमेंशन देख ही सकते हैं। और चलिए अब हम चलते हैं इसके बेसिक पॉइंट पे, जो है बॉस एक्सट्रूड। बॉस एक्सट्रूड से जस्ट मैंने अप टू सरफेस पे क्लिक करके और ये मर्ज हो गया था, और मर्ज रिजल्ट मैंने कर रखा है, और जस्ट ये मर्ज हो गया बॉडी से। और चलिए अब हम चलते हैं शेल पर। शेल एक काफ़ी अच्छी कमांड है, ये पूरे बॉडी को हॉलो फ्रेम में फॉर्म कर देती है, जैसे कि आप देख सकते हैं।
3 मिलीमीटर मैंने इसकी डायमेंशन रखी थी, मतलब कि थिकनेस रखी थी। अब चलिए अब हम चलते हैं थर्ड बॉडी पे, जो कि सबसे पहले मैं आपको स्केच दिखा देता हूँ इसका, किस तरह से मैंने बनाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये डायमंड, मैंने आर्क का यूज़ करके और लेंथ का यूज़ करके इसको वो फॉर्म करा है, और जस्ट मैंने सेफ्ट वॉश बेस का इसमें यूज़ करा था। लेकिन सेफ्ट वॉश बेस यूज़ करने से पहले में हमें सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पर अपना पैटर्न भी डिज़ाइन करना था, तभी ये सेफ्ट वॉश फॉर्म हो पाता। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से मैंने ये डिज़ाइन करा है, तो भी देखिए। सबसे पहले मैंने इस सर्कुलर फॉर्म को लिया, और फिर मैंने लाइन एरिया को लिया, और जस्ट ये फॉर्म हो गया पैटर्न, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे 3 फीचर्स दिखा रखे हैं, डायरेक्शन 1, बाय डायरेक्शन और डायरेक्शन 2। तो मैंने डायरेक्शन 1 का इसमें यूज़ करा है फॉर्म करने के लिए इस पैटर्न को। अब चलते हैं हम बॉस एक्सट्रूड पे। बॉस एक्सट्रूड की मैं आपको डायमेंशन दिखा देता हूँ, सॉरी सबसे पहले मैं आपको इसका स्केच दिखाऊंगा। स्केच मैंने इस तरह से डिज़ाइन करा है, आप चाहे तो इन योर प्रैक्टिकल वे में आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, या आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और जस्ट मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया बॉडी को, आप डायमेंशन देख सकते हैं। देखिए मैंने इसमें ऑफसेट का यूज करा है, ऑफसेट मैंने रखा है 140, और इसमें डायमेंशन मैंने रखी है, मतलब कि थिकनेस मैंने इसमें रखी है 20 मिलीमीटर की, और जस्ट ये फॉर्म कर दिया मैंने। अब चलते हैं हम बॉस एक्सट्रूड सेकंड पे। अब बॉस एक्सट्रूड में मैंने किस तरह से डिज़ाइन करा है, सबसे पहले मैं आपको इसका स्केच दिखा देता हूँ, वो ये देखिए। मैंने डायमेंशन आप देख सकते हैं, ये चाहे तो नोट भी कर लीजिएगा, आपके लिए आसानी रहेगी। और जस्ट मैंने ये क्रिएट कर दिया है। अब चलते हैं हम बॉस एक्सट्रूड पे। बॉस एक्सट्रूड से मैंने अप टू नेक्स्ट का पे क्लिक करके, और जस्ट ये आफ्टर एंटिटीज पे ये फॉर्म हो गया ये पैटर्न। अब चलते हैं हम मिररिंग पे। मिररिंग एक काफ़ी अच्छा फीचर है, ये फॉर्म कर देता है सेकंड मिरर को सेम फॉर्म में। और मैंने प्लेन का यूज करके, राइट प्लेन का यूज करके और फीचर टू मिरर का यूज करा है ताकि ये फॉर्म हो जाए पैटर्न। अब फिर मैंने आर्क का यूज करा है, क्यों? क्योंकि मुझे जरूरत थी इस आर्क की, इसलिए मैं आपको इसकी डायमेंशन भी दिखा देता हूँ आग की, देखिएगा। मैंने जस्ट यहाँ पे मिडल में क्लिक करा, और इसने ये आग फॉर्म कर दिया, एक्सिस फॉर्म कर दिया, सेंटर पॉइंट फॉर्म कर दिया एक तरह से। अब फिर मैंने ये प्लेन का यूज करा, प्लेन की भी मैं आपको डायमेंशन दिखा देता हूँ किस तरह से मैंने ये डायमेंशन इसके लिए है। राइट प्लेन का मैंने इसमें यूज़ करा था, और
45 डिग्री का मैंने इसमें एक ये स्वैप भी करा है ताकि ये पैटर्न फॉर्म करने के लिए यूज हो सके, और एक्सेस तो आप जानते ही हैं, और ये फॉर्म कर दिया मैंने इस पैटर्न को। अब चलिए अब हम चलते हैं स्वैप पे, लेकिन स्वैप पे चढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखते थे किस तरह से मैंने ये डिज़ाइन करा है, किस डायमेंशन पे रख के मैंने जस्ट यहाँ पे दो बॉडीज ली हैं, और कन्वर्ट एंटिटीज का मैंने यूज़ करा है इन पे ताकि ये बॉडीज फॉर्म हो जाए इस स्केच पे। और फिर मैंने सेकेंड बॉडी का यूज़ करा है, सेकेंड बॉडी में मैंने जैसे पैटर्न डिज़ाइन करा है, और ये पैटर्न मैंने स्प्लाइन फॉर्म से यूज़ करा है ताकि ये कर्व्ड शेप ले सके, एस शेप में ही फॉर्म हो सके। चलिए अब हम इसको स्वैप का यूज भी कर देख लेते हैं, स्वैप मैंने किस तरह से यूज करा है इसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले ये बॉडी ली थी, ये बॉडीज ली थी, और ये मैंने स्प्लाइन का यूज करके स्केच 11 पे ये फॉर्म करा है, और ये जस्ट फॉर्म हो गया ये बॉडी। अब चलिए अब हम चलते हैं फिलेट पे, फिलेट फीचर भी काफ़ी अच्छा है होता है, क्यों? क्योंकि ये एक तरह से जो एजेस होती हैं जो कटने या फिर छिलने में काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है, उस कट को ना होए इसलिए हमें इस फिलेट का यूज़ करना पड़ता है, और मैंने ये यूज़ करा है 1.5 मिलीमीटर पे ये, और जस्ट ये फॉर्म कर दिया है मैंने जैसे कि आप देख सकते हैं। अब चलिए अब हम चलते हैं फिलेट सेकंड पे, फिलेट सेकंड भी मैंने इसी पर्पस के लिए यूज करा है ताकि कस्टमर के नो हार्म ना हो और ये फॉर्म हो जाए पैटर्न। मैंने इसका डायमेंशन दिया है 5 मिलीमीटर, और जस्ट ये फॉर्म हो गया, और ये पैटर्न फॉर्म हो गया। आई होप कि आपको मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, अगर आपको कोई डाउट हो तो फिर नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा ताकि मैं आपको और क्लियर कर सकूं इन अपकमिंग वीडियोस में, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे, और लाइक और शेयर ये आपके ऊपर है। और देखते रहिएगा, गुड बाय गाइस।